तो गाइस जैसा कि अभी तक हमने इमोर्टल वर्ल्ड सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि डीमन एम्परर पूरी स्वॉर्ड वैली को इस बार तबाह करने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से मारिया शूचेंग अपने सभी दोस्तों के साथ में पहुंच जाते हैं इंपीरियल स्वॉर्ड वाली जगह पे, जहां पर उन लोगों की डीमंस के साथ में फाइट शुरू हो गई थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लोटस स्वॉर्ड वैली के एंसेस्टर्स डीमन जनरल से अपनी वैली को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग अपने कई तरीके के टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि डीमंस के द्वारा किए जा रहे अटैक्स के इफेक्ट को कम किया जा सके और उन्हें रोका जा सके। तभी डीमन जनरल अपने हेवनली डीमन हैंड को यूज करने लगता है, जो कि एंसेस्टर्स के सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते, बल्कि एंसेस्टर्स काफी सारे डीमंस को ही मार गिराते हैं। वहीं पर हम शू चैंग को देखते हैं, जो कि मारिया को अपनी पावर्स दे रहा था। तभी डीमन जनरल कहने लगता है कि आखिर ये एंसेस्टर्स कब तक अपनी स्वॉर्ड वैली को बचा पाएंगे। बोले, अभी ठीक तरीके से मेरी पावर्स का अंदाजा ही नहीं है, लेकिन अब क्योंकि वो लोग अपने बिल से बाहर आ ही चुके हैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उन्हें डीमन जनरल की असली ताकत से रूबरू कराऊंगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर अपनी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसको देखकर स्वॉर्ड वैली एंसेस्टर कहने लगते हैं कि इस बार अब मैं अपनी सोल को यूज करूंगा तुम लोगों को बचाने के लिए, जिससे कि यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी ग्रीन लोटस किलिंग फॉर्मेशन। और जैसे ही वो एंसेस्टर्स अपने स्पेल को कास्ट करते हैं, तो वहाँ पर तुरंत ही किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसमे काफी सारी मल्टीपल स्वॉर्ड्स का यूज किया जाता था। और इस टेक्निक को देखकर डीमन जनरल भी थोड़ा सा शॉक को जाता है, और डीमन लेडी भी कहने लगती है कि इसको हराने के लिए हमें जरूरत पड़ती लॉर्ड कैंग्यू की। और फिर ये दोनों ही एंसेस्टर्स अपनी अपनी टेक्निक्स को कंबाइन करके अटैक कर देते हैं। तभी मारिया के ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स को जीतना ही चाहिए, क्योंकि इस बार हमारी वैली दांव पर लगी हुई है। और किंगलियान इंपीरियल स्किल के बारे में सू चैंग भी सोचने लग जाता है। वो कहता है कि ये स्किल इन डीमंस को हराने में बहुत ही ज्यादा कामगार साबित होगी, लेकिन डीमन जनरल को तो अब इस बात का कोई भी डर नहीं रहता। वो कहता है कि भले ही तुम लोग यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें मेरी ताकत का कोई भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार अब वो यहाँ पर समन करने लगता है कि ईविल स्पिरिट को, जिसका असल में नाम होता है जुआन मेई टियान टर्टल। और वो जैसे ही उसको समन करता है, आसमान को चीरते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमे से एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस टर्टल निकल के आता है, जिसके अंदर फुली डीमंस वाली पावर्स भरी हुई थी। तो एंसेस्टर अपने किलिंग फॉर्मेशन को पॉइंट कर देते हैं उसी टर्टल के ऊपर, जिस अटैक से अपने टर्टल को बचाने के लिए डीमन जनरल ने उसके ऊपर जुआन वो की स्प्रिट को भी समन कर दिया था, जिससे कि अब ये टर्टल अपने फुल फोर्स के साथ में स्वॉर्ड वैली को तबाह करने के लिए जाने लगता है। लेकिन एंसेस्टर्स भी अपने अटैक को रोकने नहीं वाले थे। इसके बाद फिर यहाँ पर उन दोनों ही पावर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। टर्टल अपनी एक बहुत ही पावरफुल लेजर लाइट का यूज कर रहा था किलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, जो कि सच में किलिंग फॉर्मेशन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। सेकंड मास्टर भी कहने लगते है कि आखिर ये किस तरीके के पावर है, जिसको रोकने में हमारे एंसेस्टर्स की भी हालत खराब हो गई। वहाँ के डिसाइपल्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कैंग्यू पैलेस का डीमन जनरल इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। सू चैंग का मोटा दोस्त कहने लगता है कि आज तो हम सभी की यहाँ पर वाट लग जाएगी। तभी डीमन जनरल कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है मुझे अपने सबसे तगड़े अटैक को करने का, और फिर वो तुरंत ही अपने अंडरवर्ल्ड से हेवनली स्वॉर्ड डिस्ट्रॉइंग टेक्निक को समन करने लगता है, जो की सीधी जाकर अटैक कर देती है किलिंग फॉर्मेशन के ऊपर, जिसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो सच में किलिंग फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता था। जिस बात का एहसास अब एंसेस्टर्स को भी होने लगा था, लोग कहते हैं कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बंदा अर्थ इमोर्टल के लेवल पर पहुंच गया हो। और फिर अगले ही पल वो हो जाता है जिसका डर था, क्योंकि अब यहाँ पर ग्रीन लोटस किलिंग फॉर्मेशन पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से अब एंसेस्टर्स भी कुछ भी नहीं कर सकते थे, और फिर वो भी यहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर अपने फुल बॉडी में होते तो कुछ कर सकते थे। इसकी वजह से अब ग्रैंडपा और सेकंड मास्टर भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि जिस बंदे के अटैक को खुद एंसेस्टर्स ना संभाल सके, आखिर हम लोग उन्हें कैसे ही रोक पाएंगे। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि कम से कम मुझे इस बात की तो उम्मीद नहीं थी। और फिर तभी वो टर्टल दोबारा से आकर अपनी फायर से अटैक करने लगता है, जिसको रोकने के लिए ग्रैंडपा ने एक शील्ड को बना दिया था, जिसको वहाँ के सभी लोग बचाने और बढ़ाने में लग जाते हैं। डीमन एम्परर अब ग्रैंडपा से कहने लगता है कि आज के बाद से ग्रीन लोटस स्वॉर्ड वैली इस दुनिया के नक्शे से ही खत्म हो जाएगी। और फाइनली सू चैंग ने मारिया को भी पूरी तरीके से रिवाइव कर दिया था। तभी वो लोग देखते हैं कि अब ग्रैंडपा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, वो चाहकर भी ज्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं कर सकते। सू चैंग तुरंत ही उनके पास में जाकर उनसे कहने लगता है कि आपको डटे रहना होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा। तभी ग्रैंडपा सू चैंग से कहने लगते हैं कि मैं तो ये चाहता था कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें इमॉर्टल स्पिरिट्स को गैदर करते हुए देखूं, लेकिन शायद वो कर पाना मेरे नसीब में ही नहीं है। तो सू चैंग ग्रैंडपा से कहने लगता है कि ये सारी की सारी गलती मेरी है, क्योंकि पूरे 10 सालों के कल्टिवेशन करने के बाद भी मेरे अंदर 0 प्रोग्रेस हुई। अगर मेरा कल्टिवेशन आगे बढ़ा होता, मुझ में थोड़ी और ताकत आई होती, तो मैं कभी भी आप
को ये दिन देखने ना देता। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं कितना बड़ा लूजर हूँ, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। लेकिन ग्रैंडपा मारिया और शूशेंग दोनों से ही कहते हैं कि भले ही चाहे दुनिया तुम दोनों के ही खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम लोग कभी भी हार मत मानना, क्योंकि एक न एक दिन ये दुनिया अच्छाई के सामने सर झुकाएगी। और मेरी इस बात को हमेशा ही याद रखना कि तुम लोग कभी भी सबमर्ज ड्रैगन को यूज नहीं करोगे, क्योंकि कल्टीवेशन के रास्ते पर सबसे जरूरी होता है तुम्हारे हृदय की ताकत। किसी भी टेक्निक को यूज करने पर उसकी ताकत हमारे हृदय से ही निकलती है, इसीलिए तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने हृदय की ताकत को बढ़ाना होगा। जिसके बाद फ्रेंडलर यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं कि जब तक बुराई पूरी दुनिया से खत्म ना हो जाए, तुम तब तक मारिया का ख्याल रखोगे। तो शूचेंग कहता है कि ग्रैंडपा मैं हमेशा ही आपकी इस बात को याद रखूंगा। और फिर वो दोनों ही यहाँ पर रोने लगते हैं, क्योंकि असल में ग्रैंडपा अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहे थे। मारिया ग्रैंडपा से कहती है कि मैं भी शूचेंग को बचाऊंगी। तभी डीमन जनरल कहने लगता है कि इस लड़की के साथ साथ इंपीरियल इस वार्ड को भी मेरे हवाले कर दो। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।